देखिए बेटा, ये क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कैन बी अप्लाइड फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या कर सकते हैं, पहली बात तो हाँ कर सकते हैं, बस आपको क्या करना पड़ेगा, सुडो फोर्स का वर्क और लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी का एक प्रॉब्लम देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है, आपको पता है कई बार हमें ग्राउंड से चीजें सही नहीं दिखती हैं, तो हम तुरंत फ्रेम चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द वेज हैविंग अनडिफाइंड स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन विक्शन कहीं नहीं है, और नाउ वेज को एक्सलरेट कर दिया आपने, इस डायरेक्शन में भी बता रखा है आपको, ए नॉट एक्सलरेशन दे दिया है वेज को। तो टी इक्वल टू जीरो पर ए नॉट किया है, टी इक्वल टू जीरो पर इसको रिलीज किया है, तो ये वेज के रिस्पेक्ट में ऐसे चलेगा। क्यों वेज के रिस्पेक्ट में क्यों चलेगा, वेज के रिस्पेक्ट में देखो, इधर सुडो फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तो वेज के रिस्पेक्ट में इस तरह से नीचे उतरेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जब ये बॉटम पर पहुंच गया है, तब इस जो ब्लॉक है, व्हेन इट रीचेज एट द बॉटम ऑफ द वेज, तो इसकी स्पीड कितनी होगी इस ब्लॉक की। ठीक है ना, तो जब ये नीचे पहुंच जाएगा तब इसकी स्पीड क्या होगी। तो यहां पर आपने कहा क्या सिस्टम लिया, ब्लॉक को सिस्टम ले रहे हैं, सिस्टम आप किसको ले रहे हो, ब्लॉक को ले रहे हो, और आपका ऑब्जर्वर आप कहाँ पे रख रहे हो, क्योंकि आपको वेज के रिस्पेक्ट में निकालनी है, ऑब्जर्वर आपने वेज पे रख रखा है। ठीक है ना, तो एनर्जी थ्योरम किसके रिस्पेक्ट में लगाई जा रही है, क्योंकि सारी रिलेटिव टर्म है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम जब आप किसी भी और ग्राउंड से लगाते हो, तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी सब ग्राउंड से लिखते हो, अब किसी भी और फ्रेम से लगा रहे हो, तो सारी चीजें वर्क और काइनेटिक एनर्जी उसी फ्रेम से लिखोगे। ठीक है ना, बट आपने जैसे ही वेज के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो वेज को देखो आप, वेज नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी थ्योरम में एक्सटर्नल फोर्सेस तो रहेंगी, बट साथ में एक सुडो फोर्स का वर्क और आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सारी रिलेटिव टर्म है, सब कुछ किसके रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में। तो बहुत आसान कहानी है बेटा, जिसको ये चीज ध्यान है वो अप्लाई करके क्वेश्चन कर देगा, जो ग्राउंड पे बैठा रह गया वो उसको नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो आपके देखिए, आप सुडो ए नॉट कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन है, लिख सकते हैं आप ये कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन ए नॉट। तो एक्सटर्नल फोर्स में एक तो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, एम जी आ रहा है आपका, इस पर एम जी आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, और सुडो फोर्स आ रहा है, सबका वर्क मिलके डेल्टा के बराबर आना है। ठीक है ना, सबका वर्क मिलके डेल्टा के बराबर आना है, तो एम जी का वर्क कितना होगा, यहाँ से ए से बी पॉइंट के बीच लगा रहा हूँ, पॉइंट भी क्लियर होने चाहिए, बहुत लगा ली अब तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप जवाब दें तो बहुत अच्छा लगेगा, कि एम जी का वर्क कितना होगा, बताओ, ए से बी तक, ए से बी तक आने पर एम जी का वर्क कितना होगा, एम जी एच हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन का कितना होगा बताइए खुशी, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन ए से बी तक, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू द वेज ही जीरो आएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा, ये बात करूंगा मैं आपसे, क्योंकि वेज के रिस्पेक्ट में ही डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वेज है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वेज नहीं, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें वेज को और ऐड करना पड़ेगा, तो वेज के रिस्पेक्ट में ही नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द वेज, क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है, तो वेज के रिस्पेक्ट में बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर सकते हैं वर्क डन। सुडो फोर्स का वर्क बता सकते हैं खुशी आप, एम ए नॉट कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है, तो इस कॉन्स्टेंट फोर्स का वर्क ए से बी तक कितना आएगा, एम ए नॉट का। बिल्कुल बेटा, इसने वैसे ही बोल दिया जैसे आप एम जी एच लिखते हो, केवल कांस्टेंट फोर्स है, तो बस डिस्प्लेसमेंट का कांस्टेंट फोर्स के अलोंग कंपोनेंट देख लो, नेट डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक ये है, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना है, एल। दीपेंद्र आपको बात समझ आ रही है बेटा यहाँ तक, ये जो एल बोल रहा हूँ क्लियर है, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का, और इस डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट फोर्स कितना है, सुडो फोर्स आपका कितना है, एम ए नॉट, क्योंकि मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, इतनी बातें सब सुन चुके हैं बहुत बार, तो सबको पता पड़ रहा होगा, इतना बेटा बेसिक आपने सब चीजें समझ ली तो फिर नंबर कहीं नहीं आते। ठीक है ना, एम जी एच प्लस एम ए नॉट एल इक्वस टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो थी, स्टार्ट ही किया था दोनों ने, यहाँ पर इसकी वेज के रिस्पेक्ट में ही काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वेज ही है सभी। ठीक है, तो ये आ गया आपका, जो ये पूछ रहा था कि स्पीड बताओ वेज के रिस्पेक्ट में, जब वेज कहाँ पहुंच, ब्लॉक कहाँ पहुंच जाएगा डाउनवर्ड, तो ये आ गया आपका वी बी विद रिस्पेक्ट टू वेज, अंडर रूट टू ए नॉट प्लस ए नॉट इंटू एल प्लस जी एच, आर ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अंडर रूट ट्वाइस ऑफ ए नॉट एल प्लस जी इंटू एच, ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
स्पीड का ब्लॉक की विद रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को इस तरह की प्रॉब्लम में तो बताइए मुझे, फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम अप्लाई करने हैं।